नमस्ते नमस्ते। अरे आयोग, अभी तक आप यहाँ ही पे हो? नहीं, मुझे लगा पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं घूमने चले गए कहीं बाहर। अच्छा, आप यहीं पे थे। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एग्ज़ाम कब कराओगे? अच्छा, डेट नहीं आई अभी। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपको ये याद दिलाने आया था कि आज 9 जून है, 9 जून 2023 है। आपको याद है 8 जून 2022 को आपने एक पेपर निकाला था UPTGT PGT का? हाँ, जी, आपने कहा था कि जी, आपने कहा था उसी के बाद मैं LT ग्रेड निकाल दूंगा, फिर आपने कहा था उसी के बाद जो है मैं निकाल दूंगा सुपर टेट। क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं अभी तक? नहीं, वही मैं पूछ रहा था ना, काफ़ी टाइम हो गया, TGT भी नहीं हुआ अभी तक, कोई डेट भी नहीं आई, बच्चे परेशान हैं तैयारी कर करके। 3 बार, कुछ लोग तो 3 4 बार तैयारी कर चुके हैं। जी, हाँ 5 बार रिवीजन हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ अच्छा, वो कैंटोनमेंट बोर्ड का पेपर एक निकाला था। हाँ, नहीं कुछ मतलब उसका कुछ होना नहीं है क्या? मतलब क्या, मतलब क्या पेपर निकाल के फीस ले ली, मतलब उसको ब्याज पे चढ़ा दिया, करोड़ों रुपए मिल गए? हाँ नहीं, वो पैसा मिला होगा ना, करोड़ों रुपए आपको? हाँ, जी, उसको ब्याज पे चढ़ा दिया होगा अभी तक? हाँ, उसका तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ मतलब कुछ आपने सोचा होगा? अच्छा नहीं सोचा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले साल फिर आऊँगा। हाय, देखो आज से ना ठीक 1 साल पहले एक पेपर आया था, ठीक 1 साल पहले, आज तारीख है 9 जून 2023, और 8 जून 2022 को एक पेपर आया था, उसका नाम था UPTGT PGT, ठीक है। और बहुत इंतज़ार था इस पेपर का, बहुत करते करते 1 साल लेट आया, लेकिन 8 जून की रात को इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, और 9 जून से जो है सारे बच्चे खुश हो गए थे, सबने तैयारियां भी अच्छी शुरू कर दी थी, जो कि अच्छी बात है। उसी के बाद दिसंबर में एक पेपर आता है जिसका नाम था कैंटोनमेंट बोर्ड, और वो भी असिस्टेंट टीचर के लिए था। अलग अलग कैंटोनमेंट बोर्ड ने वैकेंसीज निकाली दिसंबर से जनवरी तक के महीने में, कुछ कैंटोनमेंट बोर्ड ने तो करा भी दिया, लेकिन उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं था, कोई अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही आयोग की तरफ से, ना ही सरकार की तरफ से। और एक जानकारी बस इतनी आई है कि कैंटोनमेंट बोर्ड को म्यूनसिपल बोर्ड में कर दिया जाएगा, एक नया आयोग गठित करा जाएगा TGT PGT LT ग्रेड के लिए या फिर सुपर टेट के लिए। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय, और इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप खुद अंदाजा लगा लोगे ये पेपर होगा कब, ठीक है। इस वीडियो को देख लेना और उसके बाद बताना मुझसे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप चैट में, टेलीग्राम ग्रुप्स में। अलग अलग लोग पिछले 5 6 दिन से लगातार ये चीज़ पूछ रहे हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स लिया है, जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं लिया है, सभी लोग इस बात को पूछ रहे हैं कि पेपर आखिर होगा कब। मैं आपको ये चीज़ बता देने जा रहा हूँ कि पेपर आखिर होगा कब। देखो एक चीज़ देखो, आप चाहे TGT PGT हो, मैं TGT लिख रहा हूँ, ठीक है, चाहे आपका कैंटोनमेंट बोर्ड हो, इन दोनों में ना एक समानता देखो आप इनमें एक, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को एनालाइज करा है, तो आप इसके अंदर देखो कि सिमिलैरिटीज़ क्या है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में ही असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकली थी। किसकी वैकेंसी निकली थी? असिस्टेंट टीचर की, ठीक है। चाहे PRT की वैकेंसी निकली हो कैंटोनमेंट बोर्ड में, या फिर TGT में आपकी TGT लेवल की वैकेंसी निकली हो, लेकिन टीचर की वैकेंसी निकली थी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या इसमें कॉमन फैक्टर है? दूसरा कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों ही बोर्ड, मतलब दोनों ही चीज़ों को जो पेपर कंडक्ट कराता था, UPSC SSSB कुछ, दोनों के बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दोनों के बोर्ड को खत्म कर दिया गया, कैंटोनमेंट बोर्ड को ही खत्म कर दिया गया। इनको बोला कि भाई मैं तुमको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे दूंगा। इनका पहले एक था UPSESSB और फिर एक था UPHSCB, कुछ इस तरह से करके था, ठीक है। तो वो मैं ठीक से इस समय याद नहीं है। तो इन दोनों ही बोर्ड को जो है ख़त्म कर दिया गया, और बोला हम जो है एक नया बोर्ड निकालेंगे, उतने में वैकेंसी निकालेंगे। इस बीच देखो एक चीज़ क्या हुई, इस बीच हुआ ये कि KVS में एक वैकेंसी निकलती है, जो कि जनवरी के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में भरी जाती है, और फरवरी को उसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ठीक है। हालांकि वो वैकेंसी अभी कोर्ट में PRT की फंसी है, लेकिन PGT का तो उसमें इंटरव्यू भी हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मई के महीने में PGT का तो इंटरव्यू भी उन्होंने करा लिया। आप प्रोसेस देखिए, दिसंबर से लेके मई तक में KVS वालों ने अपना पूरा प्रोसेस करा लिया। इसी बीच BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें एक वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट टीचर की, लगभग 1,75,000, लगभग, ठीक है, लगभग 1,75,000 की वैकेंसी निकलती है। लेकिन जो हमारा यूपी वाला आयोग है, वो पता नहीं कौन सी नींद में जाके सो गया है, उसको पड़ी ही नहीं है कि बच्चों की उम्र निकली जा रही है, कितने सारे लोग ओवर एज हो जा रहे हैं, कितने सारे लोग तैयारी कर करके थक गए हैं, कितने सारे लोगों के पास तैयारी करने के लिए अब पैसे भी नहीं बचे हुए हैं, और कोई कब तक तैयारी करेगा। 1 साल से आप तैयारी कर रहे हो, 1 साल से आपने यही नहीं बताया कि पेपर कब कराओगे। आपने बोला कि नगर निकाय चुनाव हो जाएगा,
इसके बाद हम पेपर करा लेंगे। तो हमको पहले लगा था कि अक्टूबर में पेपर करा लेंगे, फिर उन्होंने बोला नगर निकाय चुनाव टल गया, चलो ठीक है नगर निकाय चुनाव टला तो वो अप्रैल के महीने में हो गया, ठीक है नगर निकाय चुनाव टल गया तो इन्होंने कहा अप्रैल के बाद करा लेंगे। अब अप्रैल के बाद इन्होंने नई लॉलीपॉप दे दी है, नई लॉलीपॉप में बोला है कि भाई एक नया आयोग का गठन होगा, नए आयोग का जब गठन होगा तब ये टीजीटी पीजीटी कराएंगे, एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकालेंगे, सुपर टेट की वैकेंसी निकालेंगे। अब इसमें कितना टाइम लगेगा ये तो भैया सरकार ही बता सकती है, हम तो कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। अब आते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर। देखो कैंटोनमेंट बोर्ड ने क्या बोला हमसे, कैंटोनमेंट बोर्ड ने बोला कि भाई सरकार तुमको नौकरी नहीं दे रही है, कोई बात नहीं कैंटोनमेंट बोर्ड तुमको नौकरी देगा, भले ही हमारी प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन सेमी गवर्नमेंट जॉब है और जो है हम आपको नौकरी देंगे, बढ़िया पैसे देंगे, ठीक है। सब लोग कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ मूव कर गए, कैंटोनमेंट बोर्ड के जब फॉर्म भरे लोगों ने तो उसके बाद क्या करा इन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो है देने का फैसला कर दिया। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पेपर कराएगा या कैंटोनमेंट बोर्ड पेपर कराएगा, इस बीच में आधे से ज़्यादा बच्चे जो है लटके हुए हैं। देखो मेरे हिसाब से कैंटोनमेंट बोर्ड की जो वैकेंसी है, अगर हम दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो वो पहले फुलफिल होगी, बाकी सारे कैंटोनमेंट बोर्ड का मुझे नहीं इतना आइडिया है। कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड यूपी गवर्नमेंट यूपी के अंदर आता है, ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, भले ही ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है लेकिन स्टेट अंडरटेकिंग होती है कैंटोनमेंट बोर्ड में, ठीक है। तो अब तो ये म्यूनसिपल को जा रहा है वैसे भी, तो अब भैया मैं यूपी का तो क्या हाल है, आप लोग यूपी टीजीटी वाले में देख ही चुके हो, यूपी टीजीटी में क्या हाल हुआ है, ठीक है। अब मैं यूपी का तो बता नहीं सकता, बाकी बात बची महाराष्ट्र पंचमढ़ी या फिर देहरादून या फिर जितने भी हैं उनका आप लोग अपने तरीके से अंदाज़ा ही लगा सकते हो, लेकिन पंचमढ़ी ने जो है अपनी डेट निकाल दी है। दिल्ली कब निकालेगा हम भी उसके लिए वेट कर रहे हैं। इधर डी ट्रिपल एस बी भी आने वाला है, डी ट्रिपल एस बी, तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो ना तो आपके लिए बेटर ये है कि यार देखो तैयारी तो आपकी हो रही है ना, भले ही देखो इसमें आपकी तो गलती है नहीं कि गवर्नमेंट पेपर नहीं करा रही है, तैयारी आपकी हो रही है तो आप लोग तैयारी करते रहो। मेरे हिसाब से जब भी पेपर आएगा आप लोग पेपर दे देना, देखो इसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग कुछ कर रहे हैं, जो लोग एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ लंच कर चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उन लोग को तो रोड पे ऐसे ढकेला जा रहा है, तो हमारा और आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। चाहे आप टैग करो, हैशटैग डालो, चाहे फिर ट्विटर डालो या फिर आप ईमेल लिखो, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आपके पास एक चीज़ है, सिर्फ तैयारी करो अपनी, अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी करिए डी ट्रिपल एस बी की और यूपी टीजीटी की, आप अच्छे से अच्छी तैयारी करो, जब भी पेपर आए तो आप इस पेपर को दे दो। हालांकि मेरे हिसाब से जो है आपको पीआरटी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए पढ़ा है सेम टू सेम आप लोग डी ट्रिपल एस बी में काम आएगा आपके, ठीक है। और यूपी टीजीटी पीजीटी देखो यार पिछले साल अक्टूबर में होना था लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा बढ़ाया है कि आज एग्जैक्ट एक साल हो गया, एक एनिवर्सरी का मैं वेट कर रहा था और जब एक सालगिरह हो गई है नोटिफिकेशन निकलने की तो मैंने सोचा आज के दिन ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में बताना, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये आयोग नींद से कब जगेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।